अब मैं बनाने जा रही हूँ हक्का नूडल्स, जिसके लिए मैंने लिए 4 पैकेट हक्का नूडल, जिसके लिए मैंने लिए टमाटर, प्याज, मटर उबली हुई, शिमला मिर्च, सॉस, सोया सॉस, काली मिर्च, चाट मसाला, धनिया, मिर्च, हल्दी, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, अब मैं पानी रख रही हूँ बॉईल करने के लिए नूडल्स। इसमें थोड़ा कम रखूंगी भिगोने में पानी, है फुल कर दूंगी इसको। दूसरी तरफ मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा है, पानी में नमक डाल रही हूँ। अब मैं साथ साथ में प्याज फ्राई कर लूँगी। पानी उबल गया, मैं इसमें नूडल्स डाल दूंगी। मैं साथ साथ प्याज फ्राई कर दूंगी। नूडल्स को ज़्यादा भी नहीं गलाएंगे, हल्का सा कच्चा रखेंगे। अब नूडल को मैं ड्रेन कर रही हूँ, इनको पानी से धो लेंगे अच्छी तरह से। प्याज में अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। शिमला मिर्च डाल देंगे। इसमें नमक डाल दिया मैंने। अब मिर्च डाल देंगे, थोड़ा मिर्च डाल देंगे, धनिया, हल्दी आधा चम्मच और हरी मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच डाल देंगे। अब इसको भून लेंगे अच्छे से। इसमें
टमाटर डाल देंगे। हम इसमें उबले हुए मटर भी डाल देंगे और थोड़ा इसको भून देंगे। नमक अपने हिसाब से रख देंगे, जिसको कम खाना वो कम खा लेगा और जिसको अगर ज़्यादा खाना तो उसके हिसाब से डाल देंगे। इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डालूंगी, एक चम्मच, और हक्का नूडल का मसाला भी डाल दूंगी। थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा चाट मसाला पेपर डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी, और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल। थोड़ा भून लेंगे, फिर इसमें हम सॉस और सोया सॉस डाल। नमक चेक कर लेंगे, हमने थोड़ा नमक उधर में भी डाला हुआ है इसलिए हम इसमें नमक चेक कर लेंगे। मसाला भून चुका है, अभी इसमें मैं ये नूडल्स डाल दूंगी। ये हक्का नूडल्स बन के तैयार हैं, हम इनको मैं सर्व कर दूँगी। चीज़ के साथ मैं इसको गार्निश करूँगी। नूडल्स बन के तैयार हो चुके हैं, अब मैं इसको चीज़ के साथ गार्निश करूँगी। अगर ये नूडल्स अच्छे लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।